दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बागी सीरीज के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि इस सीरीज का टोटल कलेक्शन कितना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं बागी फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। बागी सन 2016 में आई एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर, सुधीर बाबू, सौरभ चक्रवर्ती, शिवजी शौर्य, सुनील ग्रोवर, कोटा श्रीनिवास राव और संजय मिश्रा नजर आए थे। इस फिल्म को सब्बीर खान ने डायरेक्ट किया था, से प्रोड्यूस किया था साजिद नाडियाडवाला ने, और इस फिल्म की कहानी संजीव दत्ता ने लिखी थी, और इस फिल्म के डायलॉग संजीव दत्ता और शिवजी शौर्य भारद्वाज ने लिखे थे। इस फिल्म के लिए म्यूजिक मीत ब्रदर्स, अमाल मलिक, अंकित तिवारी और मंज मौसिक ने लिखे थे। इसके लिरिक्स रफ्तार कुमार, संजीव चतुर्वेदी और सब्बीर खान ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 2,750 स्क्रीन्स के साथ 29 अप्रैल सन 2016 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 37 करोड़ था। इस फिल्म ने इंडिया में 77 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 12 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 60 करोड़ का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने 126 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था और फिल्म हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 5.2 रेटिंग मिले, और ये फिल्म सन 2016 की 10वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। अब जानते हैं बागी 2 फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। बागी 2 सन 2018 में आई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, दिशा पाटनी, मनोज बाजपाई, रणदीप हुड्डा, दर्शन कुमार, दीपक दोबरियाल, प्रतीक बब्बर, शिवजी शौर्य भारद्वाज और अरव्य शर्मा नजर आए थे। इस फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया था, से प्रोड्यूस किया था साजिद नाडियाडवाला ने, और इस फिल्म की कहानी अदिविशेष ने लिखी थी, और इस फिल्म के डायलॉग्स हुसैन दलाल और अब्बास दलाल ने लिखे थे। इस फिल्म के लिए म्यूजिक मिथुन अर्को और संदीप शिरोडकर ने दिए थे। इसके लिरिक्स अर्को कुमार, गिन्नी दीवान और सईद कौधरी ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 3,500 स्क्रीन्स के साथ 30 मार्च सन 2018 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 60 करोड़ था। इस फिल्म ने इंडिया में 165 करोड़ के कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 25 करोड़ 10 लाख कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 112 करोड़ 85 लाख कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने 257 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 4.8 रेटिंग मिले, और ये फिल्म सन 2018 की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। अब जानते हैं बागी 3 फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। बागी 3 सन 2020 में आई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, रितेश देशमुख, श्रद्धा कपूर, अंकिता लोखांडे, जमील खौरी, जयदीप अलावत, विजय वर्मा, जैकी श्रॉफ, सतीश कौशिक और वीरेंद्र सक्सेना नजर आए थे। इस फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया था, से प्रोड्यूस किया था साजिद नाडियाडवाला ने, और इस फिल्म की कहानी भी उन्होंने लिखी थी, और इस फिल्म के डायलॉग्स फराद समझी और मधुर शर्मा ने लिखे थे। इस फिल्म के लिए म्यूजिक विशाल शेखर, तनिष्क बागची, सचेत परंपरा और रोचक कोहली ने दिए थे। इसके लिरिक्स सबीर अहमद, तनिष्क बागची और गुरप्रीत सैनी ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 5,500 स्क्रीन्स के साथ 6 मार्च सन 2020 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 80 करोड़ था। इस फिल्म ने इंडिया में 97 करोड़ के कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 17 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 90 करोड़ का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने
142 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था और फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 2.1 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2020 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। तो दोस्तों इसी के साथ बागी सीरीज का टोटल नेट कलेक्शन 339 करोड़ होता है तो टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 525 करोड़ होता है। तो दोस्तों आपको इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।